दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे के पहले दिन बीजेपी के निषाद जनप्रतिनिधि सम्मेलन और भाजपा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। सम्मेलन में यूपी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक राधामोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण विधानसभा से विधायक विपिन सिंह समेत शहर के प्रबुद्ध जन सहित चिकित्सक, शिक्षक, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि व बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, एम्स आएगा कोई सोचता था, 26 साल से बंद कारखाना चल पाएगा, मेट्रो और एयर कनेक्टिविटी के साथ गोरखपुर जुड़ पाएगा किसी ने सोचा था, आज गोरखपुर से हर कोई जुड़ना चाहता है। गोरखपुर में चल रही योजनाओं के बारे में आप सबको पता चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध जनों का आह्वान करते हुए कहा कि नए गोरखपुर के लिए, नए उत्तर प्रदेश के लिए और नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ आप सभी प्रबुद्ध जन जुड़े। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर मोदी सरकार लाने के लिए सभी से अपील किया। धरती पुत्रों की गूंजे तुमने वाणी, मित्र पवित्र सुविज्ञ बनो तुम, मंगल में कल्याणी के निर्माण के कार्य, ये सब बताते हैं कि उत्तर प्रदेश न केवल विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक मानचित्र पर एक नई पहचान के साथ खड़ा हो रहा है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तथा गोरख पीठाधीश्वर पूज्य महाराज श्री का पदार्पण इस मंच पर हो चुका है। मैं गोरखपुर भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री राहुल श्रीवास्तव जी तथा इस मंच पर उपस्थित विद्युत जनों से प्रबुद्ध सम्मेलन में उनका हृदय से स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करने की कृपा करें। पूज्य महाराज जी का इस मंच पर अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए उनका मल्लार्पण कर इस महानगर के प्रबुद्ध जन से सादर निवेदन करता हूं कि वो अपना स्वागत भाषण हम सबके सम्मुख प्रस्तुत करने का कष्ट करे। मनी जुआनी भाई जी, उनकी तरफ से एक गोरखपुर शहर के प्रबुद्धवान हमके सबसे ज्यादा खुशी तब हुई है जब लोग बताओगे कि आप भोजपुरी में बोल सके और आपके आश्चर्य हुई संसद में तीन तीन लाइन भोजपुरी के आठवीं सूची में उठाने का सवाल आदरणीय परम पूज्य योगी जी महाराज के लिए। हम अपने भोजपुरिया समाज की ओर से आपके हार्दिक अभिनंदन सभी आदमी के छोट से लेके बड़ा समस्या ले, जो ग्राम प्रधान समस्या रही वो से लेके सांसद तक का समस्या सबका निवारण खातिर उन्हीं लोगों के पहुंचे का आप जानते हैं। गोरखपुर का अद्भुत इतिहास, रिपब्लिक लिखे वाले के जब जन्म बनाए गए उसे बहुत पहले यही इलाका में धरती के सबसे बढ़िया गणतंत्र और नाच संप्रदाय के बारे में जाना तो नाच योगी धरती के 34 लोक भाषाओं में जीवन संवर्धन कई लेकर आगे बढ़ोने का काम है नाचियों की नहीं लिया। हम विकास गिनौने की जरूरत आएगा गोरखपुर आप ही से सबके लोग और पहले जरूरत नहीं बा आज दुनिया में जो स्थिति बा भारत के ओकर सदियों से आप सबके पास जोने देशों में जाइया कहीं न कहीं से भारत के नाम अपने आप आवे कहीं कब तू सोच ही नहीं सकत रहा है ई भारत है, ई हिंदुस्तान है और ई यहां शुरू हो जाए अगोरत अगोरत कहीं कुछ नहीं देते और आज जे बिना कहले अपने आप काम शुरू हो गए। आपके इस चौतरफा विकास के लिए हम सभी जो हैं वो हृदय से आभारी हैं और हम आपके कृतज्ञ हैं।
कि वो अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष प्रतिष्ठित साहित्यकार प्रोफेसर रामदेव शुक्ल जी, भोजपुरी के अभियान को जन जन तक पहुंचाने वाले श्री रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर यूपी सिंह जी, प्रोफेसर रामचंद्र सिंह जी, लेफ्टिनेंट जनरल आर पी शाही जी, अध्यात्मा राम दुबे जी, प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्रीमान प्रेम नारायण श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर विनोद सोलंकी जी, प्रोफेसर गोपाल प्रसाद जी, डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जी, डॉक्टर ए के गुप्ता जी, डॉक्टर जे पी जायसवाल जी, डॉक्टर स्मिता मोदी जी, हमारे गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रकाश मिश्र जी, डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह जी, डॉक्टर के सुनीता जी, प्रतिष्ठित व्यवसायी श्री चंद्रप्रकाश अग्रवाल जी, श्री ओम जालान जी, श्री अशोक जालान जी, श्री एस के अग्रवाल जी, सरदार जसपाल सिंह जी, श्री ओम प्रकाश करमचंदानी जी, खुशवदन जैन जी, डॉक्टर रूप कुमार बनर्जी जी, श्री शंभू शाह जी, डॉक्टर राजेंद्र भारती जी, भारतेंदु यादव जी, हरमिलन शाही जी, और इतनी भारी संख्या में उपस्थित गोरखपुर के मेरे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे बहुत दिनों से इच्छा थी कि गोरखपुर के प्रबुद्ध जनों के साथ एक संवाद का कार्यक्रम बने, लेकिन प्रदेश के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों में व्यस्तता के कारण कोई भी ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हो पाया। और मैं धन्यवाद दूंगा इस टीम को, इस टीम ने आज ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत करके गोरखपुर के उन सभी प्रतिष्ठित जनों को इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एकत्र किया है, जिनका गोरखपुर के निर्माण में और पूर्वी उत्तर प्रदेश के निर्माण में अपने अपने क्षेत्र में योगदान है। और मैं सबसे पहले आप सबका इस प्रबुद्ध सम्मेलन में हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये मेरे अपने आत्मीय जनों का कार्यक्रम है, और आत्मीय जनों के कार्यक्रम में व्यक्ति कोई संदेश लेके नहीं आता है, न कोई उपदेश देने जाता है। मैं जानता हूं जो भाव मेरे अंदर हैं, वही भाव आपके अंदर भी हैं, और वे भाव स्वतः रूप से गोरखपुर के साथ जुड़ते भी दिखाई देते हैं। आज का गोरखपुर, क्या कोई सोचता था कि गोरखपुर में एम्स आएगा? कोई सोचता था कि 26 वर्ष पहले गोरखपुर का बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर चल पाएगा? कोई सोचता था कि गोरखपुर में भी कभी मेट्रो की बात हो पाएगी? कोई सोचता था कि गोरखपुर की एयर कनेक्टिविटी इतनी बेहतर हो पाएगी कि आज देश का हर नगर, हर महानगर गोरखपुर के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, और गोरखपुर के साथ वायु सेवा, गोरखपुर के लोग कम मांग करते हैं, लेकिन बेंगलोर से, कलकत्ता से, चेन्नई से, हैदराबाद से, मुंबई से, वहां के लोग मांग करते हैं कि गोरखपुर के लिए वायु सेवा शुरू कर दी जाए। ये नया गोरखपुर है, उभरता हुआ गोरखपुर है, प्रदेश और देश के क्षितिज पर एक नए अवतार और एक नए कलेवर के साथ आ रहा गोरखपुर है। और इस गोरखपुर को, नए गोरखपुर को निर्माण के लिए जिन लोगों के सुझाव, जिनका सहयोग, जिनका मार्गदर्शन सदैव मुझे प्राप्त होता रहा है, मंच पर भी और सामने गोरखपुर का प्रतिष्ठित जन बैठा है, क्योंकि उनकी पूरी सूची जब मुझे बताया गया कि गोरखपुर के प्रतिष्ठित जनों के साथ बैठना है,
तो सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके आज सायकाल का कार्यक्रम मैं आपके लिए स्पेशली यहाँ पर रखा हूँ कि नहीं मैं आज गोरखपुर जरूर जाऊंगा और गोरखपुर जाकर के मैं आपके बीच में बैठ करके आपके साथ वो बात जरूर करूंगा, क्योंकि आपकी ताकत ही मेरी ताकत है और आपकी ताकत के बल पर ही मैं प्रदेश के अंदर भी कार्य कर पा रहा हूं और देश के अंदर बोलने की क्षमता भी अर्जित कर पा रहा हूं। और उस ताकत को ही जो आपके मन में दबे हुए भाव हैं, उन भावों को समाज के सामने आप सब प्रकट कर सकें, इस दृष्टि से आज आपके बीच में मैं विशेष रूप से आप सब से अपील करने के लिए आया हूं। आप सबने गोरखपुर के वर्तमान परिदृश्य को देखा होगा, गोरखपुर में चल रही योजनाएं, गोरखपुर के विकास के कार्य, गोरखपुर में आ रही योजनाएं, गोरखपुर की अपनी पहचान। मुझे याद है जब पहली बार आप सबने मुझे सांसद चुना था, गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाना को लेकर के मैं उस समय के फर्टिलाइजर मिनिस्टर श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी के पास गया और मैंने बरनाला जी से अपील की कि गोरखपुर का कारखाना 1990 में बंद हो गया है, 8 साल हो गए हैं वो चल नहीं पा रहा है, आप इसके बारे में कुछ करिए। तो बरनाला जी मुझे देखते रहे, अच्छा आधे घंटे तक मुझे देखते रहे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आप भारत सरकार के मंत्री हैं सरदार जी, कुछ तो आप करिए, कुछ बोलिए। उन्होंने कहा मैं सोच रहा हूं कि आप गोरखपुर से सांसद कैसे बन गए। मैंने कहा क्या मतलब, गोरखपुर के लोगों ने मुझे बनाया है? हाँ नहीं भाई, मैं एक बार गोरखपुर प्रचार में गया था और जैसे मैं मंच पे गया तब तक वहां गोले बम चलने लग गए और मैं भाग गया, उसके बाद कभी गोरखपुर नहीं गया हूं और इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि आप गोरखपुर से सांसद कैसे बन गए। मैं देख के भौचक था कि गोरखपुर की पहचान किस रूप में है, किस रूप में गोरखपुर को लोग जानते हैं। मुझे सही मायने बहुत दुख हुआ था। दुख होने के बाद मैं फिर वापस आया, मैंने उसके बाद बोलना बंद किया, फिर एक सप्ताह का फिर मैं गया, उन्होंने फिर मुझे देखा और हंसे कहे कि आप फिर आ गए। मैंने कहा भी जब तक गोरखपुर की समस्या का समाधान नहीं होगा मैं तो तब तक बार बार आऊंगा और बार बार इसके लिए आवाज भी उठाऊंगा, क्योंकि मैंने जीवन में एक बात मानी है कि मैं कभी भी हिम्मत नहीं हारूंगा और अंतिम दम तक गोरखपुर के हितों के लिए, प्रदेश के हितों के लिए और जिन मूल्यों और आदर्शों के लिए मैं सार्वजनिक जीवन में आया हूं उन मूल्यों और आदर्शों के लिए निरंतर कार्य करूंगा। उन्होंने फिर वही प्रश्न किया, कहा गया मुझे बताइए गोरखपुर से कैसे आप चुन गए। मैंने कहा गोरखपुर की जनता ने चुना है, लेकिन ये प्रश्न बार बार उठता था। भाइयों बहनों, आज आप देश के अंदर कहीं भी जाएंगे कोई भी व्यक्ति आपको नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखेगा। गोरखपुर की एक नई पहचान बनी है प्रदेश में भी, देश में भी और दुनिया में भी। उस नई पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मैं तो आपका हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है ही, लेकिन मुझसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि आपको जनता के बीच में उस संदेश को उस रूप में पहुंचाना है। और जो भाव आज गोरखपुर के प्रति है, देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, दुनिया के अंदर, मुझे लगता है भारत के प्रति वही भाव बदला है पूरी दुनिया के अंदर। मुझे याद है 21, 22, 23 जनवरी को हमने 15वां प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम वाराणसी में किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की, मोदी जी ने कहा कि अच्छा है वाराणसी में अगर हो तो। पहली बार था जब राष्ट्रीय राजधानी से बाहर या किसी प्रदेश की राजधानी के बाहर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो और इस आयोजन को भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार को आयोजित करना था। हम लोगों ने काशी में आयोजन किया, काशी में आयोजन हुआ, लगभग 7,500 से अधिक अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी उस आयोजन में भागीदार बने। यानी राष्ट्रीय राजधानी और किसी
राज्य की राजधानी के बाहर पहली बार आयोजन हुआ और इतनी बड़ी संख्या में बाहर के अप्रवासी भारतीय और भारतवंशी उस आयोजन में भागीदार बने। स्वाभाविक रूप से मुझे हर एक सत्र में नहीं रहना था, 3 दिनों तक मुझे वही प्रवास करना था, तो मैंने एक माध्यम बनाया। मैंने कहा भी अलग अलग देश का जो डेलीगेशन आया है मैं उसके साथ बातचीत करूंगा, उनसे पूछूंगा कि भाई भारत के बारे में आपकी सोच क्या है और दुनिया की सोच भारत के प्रति क्या है। अब आश्चर्य करेंगे, 76 देशों के 7,500 से अधिक प्रतिनिधि आए थे और उन सभी 76 देशों के प्रतिनिधियों के साथ मैं अलग अलग समय में बैठा और मैं जिस भी डेलीगेशन के साथ बातचीत करता था उनके साथ बातचीत करते समय एक बात आती थी, वे सब इस बात को कहते थे, उन्होंने कहा साहब हम भारत के अंदर जिनकी पीढ़ियां 150, 200, 250 वर्ष पहले जा चुकी थी, वे भारत में बहुत लोग ऐसे थे जो पहली बार आए थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई आप भारत क्यों नहीं आते थे। कहा देखिए साहब हमें वहां जो बताया गया था भारत के बारे में वो बहुत गलत तरीके से हमारे सामने उस प्रकार का तस्वीर प्रस्तुत किया गया था, इसलिए हम भारत आने में संकोच करते थे। लेकिन आज जब हम दिल्ली देखे हैं, मुंबई देखे हैं, आज जब हम लोगों ने वाराणसी देखा है, हमने लखनऊ देखा है, तो हमारी धारणा बदली है कि नहीं भाई भारत ऐसा नहीं है जो भारत के बारे में हमें वहां पढ़ाया जाता है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 2014 के पहले हमारी आने की इच्छा नहीं होती थी, क्योंकि जब भी भारत का कोई राष्ट्राध्यक्ष उन देशों में आता था अगर कभी हमारे मन में कोई इच्छा भी होती थी मिलने की हमें समय नहीं मिलता था। लेकिन 2014 के बाद स्थितियां बदली, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी जब विदेश दौरे पे जाते हैं तो उनके विदेश दौरे के कार्यक्रम में एक भाग होता है कि वहां पर रह रहे अप्रवासी भारतीयों से और भारतवंशियों से मिलेंगे और उनके साथ उनका एक कार्यक्रम अलग से आयोजित होता है, यानी उन्हें अपने रूट के साथ जोड़ने का कार्यक्रम सही मायने में अगर किसी ने किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और आज उसके कारण दुनिया के अंदर ये ताकत इतनी मजबूती के साथ देखने को मिली है कि अब हम लोग दुनिया के अंदर किसी भी दूतावास में जाते हैं हमारा पासपोर्ट देख करके वहां के लोग बोलते हैं अच्छा आप भारत आप प्रधानमंत्री मोदी के देश से हैं, पीएम मोदी के देश से हैं, और पीएम मोदी के नाम पर आज हमारी पहचान दुनिया के अंदर होती है तो लोगों के मन में जो दूतावास के अधिकारी होते हैं उनके चेहरे पर एक चमक होती है। और हमें जो 2014 के पहले लोग बड़े संकुचित निगाहों से देखते थे आज हमें बड़े सम्मान की निगाह से देखते हैं और दुनिया के अंदर भारत का सम्मान इस रूप में बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ये 76 डेलीगेशन में आए हुए जितने भी प्रतिनिधि थे सारे डेलीगेट्स एक ही बात को इस बात को बड़ी मजबूती के साथ कहते हुए दिखाई दे रहे थे। और तब हमें भी लगता था कि वास्तव में भारत का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है। आप देखेंगे पिछले 5 वर्ष के दौरान मोदी जी के नेतृत्व में अगर मैं 5 वर्ष के कार्यों को 4 भागों में विभाजित करके आपके सामने रखूं, एक वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा या भारत का सम्मान बढ़ना, भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना, तीसरा भारत के अंदर विकास की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, और चौथा जो आजादी के बाद से ही देश के अंदर नारे लगते थे गरीबी हटाओ के, बिना नारा लगाए बिना जाति मत मजहब क्षेत्र संप्रदाय की बात करते हुए सबका साथ और सबके विकास की अवधारणा पर देश के प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक किसान को, प्रत्येक नौजवान को, प्रत्येक महिला को शासन की योजना के साथ जोड़ने का जितना बेहतरीन प्रयास विगत 5 वर्ष के दौरान हुआ वह आज मुझे लगता है आप गांव-गांव में जाएंगे इन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। और मैंने इस चीज को देखा है, मुझे याद है आज से लगभग 4 महीने पहले की घटना है, मैं लखनऊ में था 10:30 बजे कार्यालय से आया
कार्यालय में मैं व्यस्त था, मैं वहां पर कोई न्यूज चेक नहीं कर पाया, लेकिन जैसे मैं आया मैंने अचानक एक टेलीविजन ऑन किया और मैं जैसे देखने लग गया तो चुनाव पे वहां पर रिपोर्टिंग आ रही थी कि आने वाले चुनाव में जनता का मूड क्या है। ये देखने के लिए मैं रुका, टेलीविजन आया, मैंने उसको देखने लग गया। उत्तर प्रदेश के संजोग से जो घटना थी उत्तर प्रदेश की ही थी। उत्तर प्रदेश में जब मैं देखने लग गया तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बागपत की घटना है। टेलीविजन का रिपोर्टर और कैमरा एक गांव में जाता है, एक महिला खेत में कार्य कर रही होती है तो उस महिला से वो प्रश्न पूछता है कि माता जी वोट किसको देंगे। वो महिला चौंकी, खेत में अचानक कार्य करते हुए कोई व्यक्ति पूछ ले तो स्वाभाविक रूप से चौंके को महिला चौंकी। महिला ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा और उसके बाद कहा कि उसने ये नहीं पूछा चुनाव कब है क्या है कुछ नहीं। उस महिला ने कहा कि मैं मोदी को वोट दूंगी। तो रिपोर्टर चौंका लेकिन बोला नहीं, आगे फिर निकल गया। आगे एक और महिला से मिलता है, उससे पूछता है कि माता जी आप वोट किसको देंगे। उस महिला ने भी एक झटके में बोल दिया मैं मोदी को वोट दूंगी। रिपोर्टर फिर आगे गया, चार पांच महिलाएं एक साथ कार्य कर रही थी, उनमें से एक अधेड़ उम्र की महिला से पूछता है कि आप वोट किसको देंगे। तो महिला पूछती है क्या चुनाव आ गए। तो उसने कहा हाँ चुनाव आने वाले हैं। तो उस महिला ने कहा कि हम मोदी और योगी को वोट देंगे। तो इस बार मेरा भी नाम उसमें जुड़ा था। उसने कहा कि क्यों, अरे तू जानता नहीं हमारी छोकरियों को यहां गुंडे उठा करके लेके चले जाते थे, वो स्कूल नहीं जा पाती थी, आज योगी की पुलिस ने उनको सबको ठीक कर दिया है, आज हमारी छोकरियां स्कूल जा सकती हैं, आज उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है और हम तय कर चुके हम वोट मोदी को देंगे। ये सभी के सभी लोग उसको दोहराते हुए दिखाई दे रहे थे। ये घटना आज से चार महीने पहले की है और चार महीने के अंदर तो काफी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है। जनता का यह सामान्य मूड देश के अंदर देखने को आपको प्राप्त हो सकता है। मुझे याद है मैं पिछले दो महीनों के दौरान प्रदेश के अलग अलग राज्यों में गया हूं। उत्तर प्रदेश में आप सब रहते हैं, आप में से बहुत सारे लोग पश्चिमी बंगाल में गए होंगे। आपको याद होगा कि मैं एक बार जा रहा था आज से दो महीने पहले तो मेरा हेलीकॉप्टर ही नहीं उतरने दिया वहां की सरकार ने। मैं एक प्रदेश का मुख्यमंत्री हूं, मेरा हेलीकॉप्टर वहां नहीं उतर सकता, तो मैंने हेलीकॉप्टर उतारा झारखंड में और मैंने कहा कार्यक्रम में जाऊंगा जरूर। 35 किलोमीटर में रोड से गया, कोई पुलिस नहीं थी और आप आश्चर्य करेंगे कि 35 किलोमीटर की लंबी दूरी पूरा जनमानस उमड़ा था, दोनों तरफ सुरक्षा के लिए भी उमड़ा था और अभिवादन के लिए उमड़ा था 35 किलोमीटर तक। और 35 किलोमीटर के बाद जब मैं गंतव्य में पहुंचा तो लगभग 4 घंटे देर में पहुंचने के बावजूद 1 लाख से ज्यादा की भीड़ वहां पर खड़ी होकर के और इंतजार कर रही थी। मैं गया, सीधे भाषण दिया, फिर वापस आया क्योंकि मुझे मेरी समस्या थी कि झारखंड के बॉर्डर पर जहां मैंने अपना हेलीकॉप्टर उतारा था वो नक्सल बाहुल्य क्षेत्र था और सूर्य अस्त होने के पहले पहले मुझे वहां से उड़ना था। तो मैं गया भाषण देकर के फिर सीधे वापस आया और फिर वहां से आगे अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ा। मैं इधर चुनाव के दौरान भी बंगाल में गया था। तो बंगाल में जब मैं पहले दिन चुनाव में गया, वर्धमान में मुझे रैली करनी थी। वर्धमान नवद्वीप के पास पड़ता है, गंगा जी के तट पर। नवद्वीप का महत्व तो बंगाल में वैसे ही है पूरब में, जैसे काशी का महत्व तो उत्तर भारत में है और बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, बहुत बड़ा सांस्कृतिक केंद्र है, बहुत अच्छा वहां का एक प्रवेश है। तो मैं जब वहां पे गया, वहां जा रहा था तो मुझे फोन से वहां से मैसेज आया कि साहब अगर 1 घंटा लेट हो जाते तो ठीक रहता। मैंने कहा मुझे 4-4 रैली करनी है, फिर लखनऊ वापस आना है, लखनऊ में मेरे कार्यक्रम लगे हैं। फोन पे कार्यकर्ता कहने लगा कि नहीं साहब 1 घंटा किसी प्रकार लेट कर देते क्योंकि हम चाहते हैं कि कार्यक्रम जब आप मंच पर आए तब तक पूरी भीड़ आ चुकी हो।
तो मैंने जानबूझ के लखनऊ में फिर लेट हुआ, मैं कार्यक्रम में लगभग डेढ़ घंटा लेट में पहुंचा। ऐसे मंच लगा था, मंच के ऊपर केवल कवर था, सामने जनता बैठी थी, जमीन पे बैठी थी, न कॉलिन थी न कुर्सियां थी, कुछ नहीं, 50,000 से ज्यादा की भीड़ नीचे बैठी हुई थी, ऊपर बड़ी धूप थी। मैंने लोगों से कहा, मैंने कभी कवर तो कम से कम लगा देते, लोग इतने देर से कब से बैठे। उन्होंने कहा साहब पिछले 2 घंटे से बैठे हैं और जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक ये लोग यहां पर बैठे रहेंगे। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा आपने मुझे फिर क्यों कहा कि आप लेट में आइए, आपको मालूम है ये जो लोग यहां पर आए हैं ये लोग 10 किलोमीटर पैदल से आए हैं क्योंकि सरकार ने 10 किलोमीटर के पहले कोई भी पार्किंग नहीं दी है हम लोगों को, और सभी हमारे जितने भी रिक्शा हैं, मोटरसाइकिल हैं, थ्री व्हीलर हैं, बसेज हैं, ट्रक हैं, ये सब के सब 10 किलोमीटर दूर पार्क हुआ है, वहां से सभी लोग पैदल आए हैं और पैदल होकर के सभी लोग केवल और केवल चाहते हैं कि देश में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इस बात को लेकर के लोग यहां पर आए हैं। आप अनुमान करिए कि गर्मी है 10 किलोमीटर पैदल चले और 2-2.5-3-3 घंटे धूप में बैठ करके, कड़ाके की धूप में नंगे बैठ करके, क्यों कोई शर्ट उतार करके अपने सिर में रखा था, किसी के पास गमछा था, और जमीन पर बैठ करके पूरे कार्यक्रम में वे सहभागी बने। यह एक इस प्रकार की मुहिम और इस प्रकार का एक जुनून मुझे वेस्ट बंगाल में, केरल के अंदर और देश के उड़ीसा यानी उड़ीसा के अंदर और अन्य तमाम क्षेत्रों में यह देखने को मिला। आप जानते होंगे जब मैं दक्षिण भारत में केरल में गया था या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गया था, तो जो अनुवादक था जनता ने उसको हटा दिया, कहा नहीं योगी जी जिस भाषा में बोलेंगे हम उसी में समझ जाएंगे, बस योगी जी बोले और बीच में कोई ना बोले। ये भाव मोदी जी के प्रति अचानक नहीं आया, आम जनमानस भी इस बात को देख रहा है। देश दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ना, अजहर मसूद का मामला आप सबके सामने है, भारत का मोस्ट वांटेड जैसे मोहम्मद का सरगना, पुलवामा की घटना का मास्टरमाइंड, और भारत के अंदर दर्जनों आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार, सैकड़ों निर्दोष नागरिकों और जवानों की हत्या के लिए जवाबदेह उस व्यक्ति के प्रति, उस आतंकी के प्रति 10 वर्षों से जो मुहिम चल रही थी, वैश्विक मंच पर भारत को पहली बार सफलता प्राप्त हुई। इतनी बड़ी कूटनीतिक विजय है दुनिया के अंदर भारत की कि अब कोई भी आतंकवादी, कोई आम भारत के अंदर किसी भी आतंकी घटना की जिम्मेदारी लेने का दुस्साहस नहीं करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि वह जहां कहीं भी छुपेगा भारत की वर्तमान सरकार और ये नया भारत उसे ढूंढ निकालेगी और ढूंढ निकाल करके फिर उसके साथ वही सलूक करेगी जो अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के साथ किया था। ये नया भारत है, दुनिया के अंदर योग की परंपरा के बारे में अभी आचार्य रामदेव शुक्ल जी कह रहे थे, हजारों वर्षों की भारत की परंपरा, भारत की विरासत। 2014 तक आपके सामने दृश्य आए होंगे जब लोग योग की परंपरा को अपने नाम से पेटेंट करते थे, और जब भारत माता का एक सपूत जो भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारत की विरासत के बारे में जानकारी रखता है, जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने इस विरासत को भारत के साथ पेटेंट करवाया और विश्व योग दिवस के रूप में 21 जून की तिथि तय करवा दी। आज जहां कहीं भी योग होता है तो भारत का नाम आता है, मोदी जी का नाम आता है। यह एक भारत की परंपरा को नया सम्मान देने का, कुंभ की परंपरा, आप उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि कुंभ का आयोजन दुनिया के अंदर जिन 4 क्षेत्र प्रदेश के अंदर, देश के अंदर जिन 4 जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है उसमें से एक कुंभ महत्वपूर्ण प्रयागराज कुंभ भी उत्तर प्रदेश में है। कुंभ के इस आयोजन की व्यवस्था, हजारों वर्षों से कुंभ की परंपरा चल रही है, लेकिन कुंभ को वैश्विक मान्यता प्राप्त हो, कुंभ यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्य हो सके, पहली बार हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास से। और कुंभ की व्यवस्था, कुंभ में पहली बार कुंभ का आयोजन हुआ है,
जब एक भी दुर्घटना नहीं घटित हुई, कोई अव्यवस्था नहीं फैली। 1954 में महाकुंभ था, कुल 40 लाख लोग आए थे कुंभ स्नान में, और भगदड़ में 1000 लोग मारे गए थे। 1000 लोग 1954 में, उस समय जो पुलिस अधीक्षक थे, उन लाशों को देख करके वह इतना विचित्र हो गया था, पागल हो गया था। उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और हरिद्वार में जाकर के शेष जीवन उसने संन्यास का जीवन यापन किया था। उसने कहा कि मैं आगे से ये वर्दी नहीं पहनूंगा, क्योंकि इतनी अव्यवस्था, इतनी दुर्व्यवस्था, इतनी यानी आपने 2013 के महाकुंभ में देखा होगा कैसे वहां पर दुर्व्यवस्था थी, दर्जनों लोग मारे गए थे, दुर्घटनाएं घटित हुई थी, गंदगी का अंबार था। 2013 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे कुंभ में, संगम में गंदगी देख करके हिम्मत नहीं कर पाए कि स्नान कर सके। और 2019 के कुंभ में भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे। मेरे पास 2013 की बात थी है मेरे सामने, मैंने उनको आमंत्रण तो दिया कि आप कुंभ में आए, वे कुंभ में आए भी, लेकिन मैंने उन्हें आमंत्रण नहीं दिया कि स्नान करें, क्योंकि मैं जानता था कि 2013 में उन्होंने स्नान नहीं किया। लेकिन कुंभ में जब आए, 400 लोगों का डेलीगेशन उनके साथ में था, और जैसे आए उन्होंने गंगा की अविरलता और निर्मलता देखी, रोक नहीं पाए, अपने परिवार के साथ संगम में डूबे, डुबकी लगाई, स्नान किया, 400 लोगों को उसके साथ उन्होंने उस डुबकी में शामिल किया। और उसके बाद जब यहां से मॉरिशस गए तो मुझे वहां से धन्यवाद पत्र भी भेजे कि मुझे कुंभ के आयोजन में आकर के बहुत आनंद की अनुभूति हुई और मेरी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई है इसके कारण, और इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने यह व्यवस्था हम लोगों को अवसर उपलब्ध कराया। सैकड़ों वर्षों से भारत की आस्था का सम्मान कौन कर सकता है। अक्षयवट हम चर्चा करते थे, सुनते थे, अक्षयवट किले के अंदर कैद था, हमने प्रयास किए, पहले सफलता नहीं मिली, मैंने प्रधानमंत्री जी के सामने प्रस्ताव रखा, उन्होंने तत्काल इसको स्वीकृति दी, और अक्षयवट आज आप देखते होंगे कि अक्षयवट में कोई भी जाके दर्शन कर सकता है। प्रयागराज में आप जाइए, कुंभ में जाइए, साल में 11 महीने अक्षयवट के दर्शन करने को मिलेंगे। प्रयागराज में आपने देखा होगा कुंभ के पूरे आयोजन में हम लोगों ने प्रयागराज सिटी की भी कायाकल्प करने का निर्णय लिया। हमने कहा कुंभ का आयोजन बार बार नहीं होता है, 6 वर्ष में अवसर प्राप्त होता है, तो प्रयागराज के लिए भी कुछ होना चाहिए। महर्षि भारद्वाज के आश्रम की सुंदरता, उनकी भव्य प्रतिमा की स्थापना की बात हो, या श्रृंगवेरपुर में निषाद राज की भव्य प्रतिमा और भगवान राम से उनका मिलन का दृश्य प्रस्तुत करना, उसके पर्यटन के मानचित्र पर लाना, या फिर प्रयागराज के अंदर हम लोगों ने एक वर्ष में 10 फ्लाईओवर बनाए, 6 अंडरपास बनाए, 264 से अधिक सड़कों का चौड़ीकरण किया, सिंगल लेन को डबल लेन में, डबल लेन को फोर लेन में, फोर लेन में सिक्स, फोर लेन को सिक्स लेन में, और व्यापक सहानुभूति वहां के लोगों ने दिया, बहुत समर्थन दिया। कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ाया, इस बार मौनी अमावस्या के दिन 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था, कुंभ के संगम में 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने, और तिनका तक नहीं हिला। कुंभ सुरक्षित भी हो सकता है, स्वच्छता का भी संदेश दे सकता है, और भारत के अंदर इतना बड़ा आयोजन पूरी भव्यता के साथ संपन्न हो सकता है, यह अगर योग्य मार्गदर्शन प्रधानमंत्री मोदी जी का नहीं होता तो संभवतः इतना बड़ा आयोजन इतनी कुशलता के साथ, इतनी सफलता के साथ आयोजित हो पाता, यह बहुत कठिन है। मैं आभारी हूं डॉक्टर स्मिता मोदी जी का, गोरखपुर के विकास के लिए कितना सार्थक उनका समर्थन मिला, क्योंकि मैं स्वयं भी अंदर से एक दिन दुखी था। मैं जब मेडिकल कॉलेज की तरफ से आ रहा था, मैंने देखा कि प्राकृतिक चिकित्सालय की बाउंड्री वॉल टूटी है, मैंने पूछा भाई कैसे टूटा, तो पता लगा कि सड़क फोर लेन की सड़क बनाने में तोड़ना पड़ा। मैंने फिर बैठक आयोजित की और मैंने कहा देखो भाई इस बात को ध्यान रखना कि तोड़ने की नौबत ना आने पाए, आप ऐसा बनाए कि सड़क भी चौड़ी बने
और किसी का मकान और प्रतिष्ठान तोड़ने की नौबत भी ना आने पाए, और ये तारों के गुच्छे जितने हैं इसको अंडरग्राउंड कर दीजिए, जिससे कहीं भी कोई आने वाले समय दुर्घटनाएं ना होने पाए। और हम उसी दिशा में पूरे गोरखपुर महानगर की सड़कों को लेकर के चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में गोरखपुर एक नए कलेवर के साथ देखने को मिलेगा, और उस दिशा में यह समर्थन हमें बहुत अच्छा समर्थन प्रयागराज की जनता ने दिया, प्रयागराज की जनता ने दिया बहुत पॉजिटिव। आप आश्चर्य करेंगे, लगभग 2000 से अधिक घर वहां टूटे होंगे। मुझे दुख हुआ क्योंकि जो हमारे विधायकों ने मंत्रियों ने मेरे सामने इस बात को कहा, मेरे प्रभारी मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी यहां पर हैं, ये सभी लोग कहे कि वहां पे इतना तोड़फोड़ हुआ है, हो सकता है जनता में नाराजगी होगी। तो मैं एक दिन रात्रि को स्वयं वहां प्रयागराज गया, मैंने बैठक ली, बैठक लेने के बाद फिर मैं सिटी में निकला, रात्रि को 10 बजे के बाद निकला, निकलने के बाद देख के आया, फिर मैंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया। मैंने कहा अगर किसी का कहीं टूट फूट हुआ है वे अगर मुझे बता देंगे तो अच्छा होगा, और एक एक पाई का कंपनसेशन देंगे। अगर किसी का मकान तोड़ा गया है, किसी का जमीन पर सरकार ने सड़क निकाली है, तो उन सब का मुआवजा हो उनको देंगे। आप आश्चर्य करेंगे, 2000 में से कुल 3 लोग आए थे मेरे पास, और मैंने तत्काल उनको कंपनसेशन अपने सामने बना करके दिया, और शेष अन्य लोगों को जिन्होंने कहा कि साहब ये कार्य तो हमारे शहर के लिए हो रहा है, हमारे प्रयागराज के लिए हो रहा है, और इस कार्य में क्या हमारा योगदान नहीं होना चाहिए क्या, ये जो भाव है, जब तक इस प्रकार का भाव देखने को नहीं मिलेगा विकास आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे लगता है वह भाव मुझे आज यहां पे डॉक्टर स्मिता मोदी जी के मन में भी देखने को मिला। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, विकास होना चाहिए, लोगों का आवागमन सरल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, क्यों लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहेंगे, कब तक हम इस जड़ता का शिकार बनेंगे, क्यों नहीं हम आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे, क्यों नहीं विकास के आधुनिक पायदान पर हम भी खड़े होंगे। जब तक ये भाव हर नागरिक के अंदर पैदा नहीं होगा, तब तक विकास ऐसे ही जड़ता का शिकार बना रहेगा जैसे अब तक होता रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, कुंभ ने एक जो होलिस्टिक चेंज दिया है, उस चेंज के साथ मुझे लगता है कि वही भाव पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर आपकी दोनों सरकारों के द्वारा इसी भाव के साथ पूरे देश को चलाने का कार्य किया है, और इसी भाव के साथ प्रदेश को चलाने का कार्य किया है। देश के अंदर आपने देखा होगा आज एम्स बन रहे हैं, लोग कहते थे गोरखपुर में एम्स बन पाएगा। मैं जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने प्रस्ताव लेके गया तो मैंने कहा भी प्रधानमंत्री मोदी जी काशी से सांसद हैं, मैं उनके सामने प्रस्ताव रखूंगा, पता नहीं उनको बुरा लगेगा। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मोदी जी खिलखिला के हंसे और कहे कि योगी जी आपने विकास की बात की है और आप हमेशा विकास की बात करते, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और गोरखपुर में एम्स के शिलान्यास के लिए तिथि कब जाना है मुझे बता देना। मैंने फिर कहा, मैंने कहा फर्टिलाइजर का भी है, कहा अच्छा फर्टिलाइजर का भी होता है, मैंने कहा अगर दोनों का शिलान्यास एक साथ हो तो अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जब पूज्य महाराज जी की मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, एक साथ उन्होंने दोनों कार्यों का शिलान्यास किया था, यानी एक कोई कल्पना करता था गोरखपुर के बारे में कि एम्स गोरखपुर को मिलेगा, और जब मिला भी बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की, अरे साहब शिलान्यास तो ऐसे होता है, आज तो गोरखपुर के एम्स की ओपीडी भी प्रारंभ हो चुकी है, और जुलाई में हम यहां एडमिशन भी लेने जा रहे हैं, अब पहले 50 एडमिशन लेंगे, उसके बाद जब फुल फ्लेज एम्स बनेगा 100, फिर उसके बाद 200 एडमिशन की प्रक्रिया गोरखपुर एम्स से प्रारंभ होगी। 26 वर्ष पहले गोरखपुर का कारखाना बंद हो चुका था, खाद कारखाना, मुझे याद है 1990 से लेकर के लगभग 2003-4-5 तक गोरखनाथ मंदिर के उत्तर के क्षेत्र में कितनी वीरानी रहती थी, कितनी वीरानी रहती थी, एकदम ऐसा लगता था जैसे कोई बहुत बड़ा कोई ऐसी आपदा आई हो, एकदम वीरानी थी। लेकिन वो रौनक आते आते 15-20 साल लगे, लेकिन आज एक नया कारखाना, पहले से अधिक क्षमता का कारखाना, अनेक सुविधाओं से युक्त कारखाना गोरखपुर में फिर से बनने जा रहा है, और उसके साथ ही अनेक योजनाएं उसके साथ आ रही हैं। आज ये नया गोरखपुर चारों ओर से 4-लेन की कनेक्टिविटी के साथ जुड़ रहा, बंद हो रहा ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज 8 सुपर स्पेशलिटी के साथ फिर से प्रारंभ हो चुका है,
गोरखपुर में चाहे वहां चिड़ियाघर का मामला हो, रामगढ़ ताल की सुंदरीकरण का मामला हो, या फिर बंद हो रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश का चीनी उद्योग, यही अंतर है। पिछली सरकारें अपने स्वार्थ के लिए यहां की चीनी मिलों को बेचती थी। मैंने यहां के किसानों को, मैंने यहां के नौजवानों को, मैंने उन कारखानों में कार्य करने वाले कार्मिकों को रोते हुए पलायन करते हुए देखा है, उनके परिवारों को भूखे पेट सोते हुए देखा है। और इसीलिए जब सरकार बनी तो मैंने कहा नहीं, हर साल हम कम से कम 2 चीनी मिलों का या तो नई चीनी मिल लगाएंगे या उनका पुनरुद्धार करेंगे और किसानों को फिर से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करके छोटे व्यापारियों के रोजगार को उसके माध्यम से जोड़ करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को और प्रदेश के युवाओं को हम उनके रोजगार के साथ वहां पर जोड़ेंगे। आज पिपराइच में नई चीनी मिल लग चुकी है, वह चीनी मिल एकदम देश की आधुनिकतम चीनी मिल है, एक पिपराइच में, एक मुंडेरवा बस्ती में। और आने वाले समय में हम लोग प्रदेश के अंदर हर एक चीनी मिल को इस रूप में करने जा रहे हैं। व्यापक संभावनाएं हैं, व्यापक संभावनाएं इस क्षेत्र में है। पहली बार मोदी जी ने गन्ना किसानों को ध्यान में रख करके सुगर केन को सीधे आप इथेनॉल में बना सके इसकी व्यवस्था की है, सारी सुविधाएं उसमें दी जा रही हैं, आप वहां पर पावर भी जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं उसके साथ अब मिलने प्रारंभ हुई है। लेकिन पिछली सरकारें पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक ऐसी चीनी मिल बेची गई, अगर केवल उसकी जमीन की ही कीमत आप निकालेंगे तो उस जमीन की कीमत 200 करोड़ है, स्क्रैप को केवल बेच देंगे तो स्क्रैप 20 करोड़ में बिकेगा, लेकिन चीनी मिल को कितने में बेचा था मालूम है आपको? 2 करोड़ में, 2 करोड़ में बेचा था। पैसा बाकी कहां गया है? हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को वर्तमान में बना रहे हैं और पूर्वांचल एक्सप्रेस को गोरखपुर के साथ लिंक कर रहे हैं। गोरखपुर का जो हमारा सबसे कमजोर क्षेत्र है, खजनी बेलघाट का, सिकरीगंज का, इसको भी हम 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ रहे हैं और दोनों ओर औद्योगिक गलियारे बनाने जा रहे हैं। अब आश्चर्य करेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का टेंडर समाजवादी पार्टी की सरकार दिसंबर 2016 में निकाल करके उसको फाइनल कर चुकी थी। जब मई 2017 तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैंने एक बार बुलाया विभाग को, मैंने कहा कार्य क्यों प्रारंभ नहीं हुआ? मैंने कहा साहब तो जमीन ही नहीं ली गई। तो मैंने कहा जमीन नहीं है इतने बड़े प्रोजेक्ट में, तो ये नियम है कि पहले 80% जमीन होनी चाहिए और फिर टेंडर की प्रक्रिया होनी चाहिए। उन्होंने कहा जमीन है ही नहीं अभी तो। तो मैंने कहा टेंडर कैसे हो गए और टेंडर कितने में हुआ है? पता लगा 15,200 करोड़ रुपए में। तो मैंने कहा 15,200 करोड़ रुपए में हुआ है, जमीन नहीं है। कहा कार्य भी आवंटित हो गया है, यानी ठेकेदारों को कार्य भी दे दिया गया। तो मैंने फाइल मंगाई, उसको निरस्त किया और निरस्त करके मैंने कहा जमीन खरीदो। हम लोगों ने जब पिछले वर्ष फिर से पूरी जमीन खरीदी, 96% जमीन जब हम खरीद चुके थे तब हमने टेंडर निकाला। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 340 किलोमीटर लंबा और 110 मीटर चौड़ा, हमारी सरकार के समय 120 मीटर चौड़ा और 341 किलोमीटर लंबा बन रहा है। और भाइयों बहनों, उनकी सरकार बना रही थी 15,200 करोड़ रुपए में और उसी एक्सप्रेसवे को हम लोग बना रहे हैं 11,800 करोड़ रुपए में। ये 3,500 करोड़ रुपए कहां जा रहा था, कहां जा रहा था? ये बेमानी, ये भ्रष्टाचार, ये पैसा किसका है? ये जो 3,350 करोड़ रुपए है, ये पैसा जब बचता है तो हम कुंभ को भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ में बदलते हैं। हम लोग किसी मेडिकल कॉलेज को आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त करते हैं। ये पैसा जब बचता है तब प्रदेश के अंदर 75 के 75 जिलों में बिजली की आपूर्ति समान रूप से हम कर सकते हैं, अन्यथा बिजली की भी जाति होती थी, बिजली का भी मजहब उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। कैसे बदलेगा? जो लोग लूटते थे, डकैती डालते थे, वे लोग आज एक बार फिर से अपने लूट खसोट को जारी रखने के लिए फिर से नए नए तौर तरीके अपना रहे हैं। अब तो रिश्तेदारी भी जोड़ी जा रही है,
जो पहले एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, आज कोई किसी की बुआ हो गई है, कोई किसी का भतीजा हो गया है, कोई किसी का चाचा हो गया है, कोई किसी का मामा हो गया है। एक नया महाभारत और हस्तिनापुर की वही व्यूहरचना फिर से प्रारंभ हो चुकी है जो उस समय हुआ करती थी। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इतनी बड़ी संख्या में गोरखपुर का प्रबुद्ध जन यहां बैठा है, मुझे लगता है अगर आप केवल पब्लिक के सामने मोदी जी के 5 वर्ष की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ही जनता के बीच में रख दें, इंफ्रास्ट्रक्चर जो गोरखपुर में आपको देखने को मिल रहा है ये पूरे देश के अंदर देखने को मिलेगा। हमने पहल की यहां पर ज्यादा पहले को दिखाई देने लग गया, और जगह भी सामने आ चुका है और महत्वपूर्ण तरीके से बातें सामने आ रही हैं। भारत की आस्था का सम्मान का हो, विकास का हो, या फिर गरीब कल्याण योजनाओं को ईमानदारी के साथ पहली बार जमीन पर उतारने का हो, जमीन पर उतारने का हो, 1947 के पहले से लेकर के 2016 तक उत्तर प्रदेश में केवल 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज बन पाए थे, और 2016 से अब 19 के बीच मात्र 3 वर्ष में हम लोग इस समय प्रदेश के अंदर 15 नए मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। सरकारी स्तर पर 3 एम्स का कार्य चल रहा है, जिसमें गोरखपुर और रायबरेली में ओपीडी प्रारंभ हो चुकी है, एक कैंसर संस्थान बनकर के तैयार हो गया है वाराणसी में, और उसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हर जिले में इस समय हम लोगों ने बड़े जनपदों में 4 और छोटे जनपदों में 2 या 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दी है, जो यहां पर हमारे चिकित्सक होंगे वो जानते होंगे, एक कार्डियक वैन जिसमें मॉनिटर भी है, वेंटिलेटर भी है, वेल इक्विप्ड है, और ये भारत सरकार 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस 2016 में प्रदेश सरकार को देना चाहती थी, समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं ली, उन्होंने कहा नहीं लेंगे, हमें आवश्यकता नहीं। जब मार्च 2017 में मैं मुख्यमंत्री बना तो मुझे, मैंने पुराने पत्र मेरे सामने आए तो मैंने उसको देखा, मैंने कहा भी आखिर ये मान भारत सरकार मुफ्त में दे रही है, क्यों नहीं ले रहे हैं? तो हमने पत्र भेजा, हमें 1.5 महीने के अंदर 150, पहले चरण में 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस मिली, हमने प्रदेश के अंदर उसको चालू किया। उस समय हर जिले को 2-2 एम्बुलेंस हमने दी, और 1 साल के बाद जब मैंने उसकी समीक्षा ली, 78,000 लोगों की जान बची थी लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के माध्यम से, जिन लोगों को 25,000-30,000 रुपए खर्च करने पड़ते थे और तब भी कोई गारंटी नहीं थी, इन 150 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस ने 78,000 लोगों की जान प्रदेश के अंदर बचाई। और फिर मैंने पत्र लिखा, 100 और हमें मिली, इस समय बड़े जनपद को 4, छोटे जनपद को 3 लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस हम लोग वर्तमान में दे चुके हैं। ये चीजें हर एक क्षेत्र में, आज IIM बन रहे हैं, IIC बन रही है, IIIT बन रही है, देश के अंदर एम्स बन रहे हैं, हर 3 कंस्टिट्यूएंसी के बीच में एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है, 1.5 करोड़ गरीबों के घर बने हैं, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन दिए गए, जिनमें 1 करोड़ अकेले उत्तर प्रदेश में हमने दिए हैं, और 1 करोड़ के लिए हमें 1.5 लाख मजदूरों तक विद्युतीकरण का कार्य करना पड़ा, 7 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के कनेक्शन मिले हैं, 9.5 करोड़ गरीबों को एक एक टॉयलेट मिला है। आज से 3 साल पहले आप किसी भी गांव में जाते थे, गांव में आप पैदल नहीं जा सकते थे, गंदगी का अंबार रहता था, आज आप जाएंगे आपको सड़क पर गंदगी नहीं मिलेगी, नहीं तो कितनी बदबू होती थी, गांव में चलने लायक स्थिति नहीं होती थी। अकेले गोरखपुर में ही 5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाने की कार्रवाई इन 2 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने किया, और स्वच्छ भारत मिशन में मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से 9.5 करोड़ ऐसे टॉयलेट पूरे देश के अंदर बने, 100 स्मार्ट सिटी विकसित हो रही है पूरे देश के अंदर। इसी प्रकार से 12.5 करोड़ लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपए सालाना मानदेय देने की व्यवस्था की, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और स्टैंडअप योजना के माध्यम से आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर भी किया, 37
करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खोला गया। आप आश्चर्य करेंगे जनधन अकाउंट के बारे में। जब जनधन अकाउंट खोले जा रहे थे लोग क्या टिप्पणी करते थे कि हर एक को अकाउंट खोलने से क्या होगा, लेकिन आज देख रहे होंगे जब स्वर्गीय राजीव गांधी की लाचार की झलकती थी कि 100 रुपया भेजता हूं नीचे केवल 15 ही पहुंचता है, आज प्रधानमंत्री मोदी जी दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं 4000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दे रहा हूं। ये 4000 रुपए जिस किसान को दूंगा उसी के खाते में जाएगा, इधर उधर नहीं जा सकता है। ये चेंज है, भ्रष्टाचार पर प्रहार है, डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने की प्रक्रिया। ये 37 करोड़ गरीबों के बैंक के साथ जुड़ जाना उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का एक आधार बना। और यही नहीं, एक गरीब भी बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त कर सकता है। 5 लाख रुपए सालाना आयुष्मान भारत की सुविधा हर गरीब को देने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी के कारण प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, एक व्यापक चेंज पूरे देश के अंदर देखने को मिला है और इस चेंज में पूरे देश की आवाज के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें, इस भाव के साथ मुझे लगता है प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। और भूमिका इस बात को लेकर के कि आप लोगों के मनोमस्तिष्क में सही चीजों को रख सकते हैं। और याद रखना, हम लोगों को कभी भी द्रौपदी के चीरहरण के दृश्य से अपने आप को हम अलग नहीं कर सकते। चीरहरण के दृश्य पे द्रौपदी प्रश्न कर रही थी भरी सभा से कि इस अपराध का दोषी कौन है, कौन इस अपराध का दोषी है, तो कोई बोल नहीं रहा था, केवल एक विदुर वहां पर खड़े हुए बोलने के लिए। उन्होंने कहा था तिहाई दोषी अपराधियों का, तिहाई दोषी सहयोगियों का और तिहाई दोषी मूक दर्शकों का। मुझे लगता है प्रबुद्ध समाज न तो अपराध में शामिल हो सकता है, न अपराधी बन सकता है और न मूक दर्शक ही बना रह सकता है। और उन्हें अपनी भूमिका को पहचानना होगा और उस भूमिका के रूप में मैं आप सबसे अपील करूंगा। महाभारत के युद्ध में कृष्ण सारथी बने थे और मुझे लगता है उस कृष्ण की भूमिका में एक बार फिर से आप सभी प्रबुद्ध जनों को आगे आना चाहिए। देश की खातिर, देश की सुरक्षा की खातिर, देश की समृद्धि की खातिर और आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की खातिर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, सुरक्षित भारत समृद्ध भारत के लिए अगर आप सभी लोग अपनी इस भूमिका को एक बार फिर पहचान सकें तो मुझे लगता है कि नया भारत दुनिया के सामने अपनी ताकत का एहसास इसी प्रकार से करा पाएगा जैसे वर्तमान में भारत करा रहा है। जैसे वर्तमान में भारत की स्थिति है, जैसे आज हर अप्रवासी भारतीय और हर भारतवंशी प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी सरकार पर गौरव की अनुभूति कर रहा है, यह अनुभूति लगातार उसे हो पाएगी। और इसका एहसास कराने के लिए मैं आप सभी प्रबुद्ध जनों से इस बारे में अपील करूंगा कि आप सब अपनी भूमिका को एक बार पहचाने और उस पहचानने की भूमिका के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर जिस उम्मीद के साथ, जिन अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए, जिन आकांक्षाओं की पूर्ति करने के निर्णय के साथ दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ रही है, उस दृढ़ प्रतिज्ञता के साथ आप सबको भी जुड़ना होगा। यही अपील आप सभी आत्मीयजनों से मैं करने के लिए आज विशेष रूप से गोरखपुर में आया हूं। आप सबसे मैं अपील करूंगा कि आप भी घर में बैठे न रहे। अक्सर मैं देखता हूं कि जहां ज्यादा प्रबुद्ध जन होंगे मतदान वहां उतना ही कम होता है। इस मिथक को तोड़ना होगा, जहां जितना अधिक प्रबुद्ध जन होगा वह उतना ही नए भारत के लिए मतदान में भागीदार बनने के लिए आगे आएगा। यह एक प्रतिज्ञा, एक संकल्प आपका अवश्य हो, इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आयोजकों को हृदय से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी प्रबुद्ध जनों के प्रति भी हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए विश्वास करता हूं कि नए गोरखपुर के लिए, नए उत्तर प्रदेश के लिए और नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान के साथ आप सब जुड़ेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।